सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, एक ट्राइंगल दी है, एक ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी वर्टेसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, फोर्थ चार्ज सेंटर पे रख दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है अगर सेंटर वाले चार्ज कैपिटल क्यू को माइनस क्यू पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या वो जो वर्टेसेस पे चार्ज है वो मूव करके सेंटर की तरफ आएंगे। तो मेरा आंसर होगा यस, बिकॉज वो नेगेटिव हो जाएगा, वो सभी पॉजिटिव हैं, कोई इक्वी डिस्टेंस पे रखे हैं तो हर चार्ज को ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम ये चाहें कि कोई भी चार्ज इसकी तरफ ना आए तो क्यू की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। अब क्यू की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कंडीशन आती है, सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी पॉइंट सी, मान लो एक कोई भी वर्टेसिस ले लो, सही सी ले लेते हैं हम, तो वो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो जीरो आनी चाहिए। अब उस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है फिर उनको जीरो कैलकुलेट करेंगे। तो ए की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही है सी के ऊपर, बी की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही है और ओ की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही है। आपको पता है बी से भी सेम डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यूज भी सेम है, ए की भी वही डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यूज भी वही है, तो दोनों फोर्सेस, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी मस्ट बी सेम होंगी। अब ट्राइंगल लॉ वेक्टर के अनुसार ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऊपर वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ए और बी चार्जेस की वजह से। मैंने कह दिया रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू एफ आर, और ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा दिया। आपको पता है फोर्सेस मैंने सेम बताई है ड्यू टू ए ड्यू टू बी, तो सॉल्व कर लिया हमने फोर्सेस को, यहां वैल्यू आ गई। अब आपको पता है डिस्टेंस के केस में क्या होगा, रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। सपोज इक्वेशन नंबर वन मान लिया हमने ड्यू टू ए और बी की रिजल्टेंट की वजह से। एक और चीज देख लेते हैं, अब हम सी से डी डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइट ऑफ ट्राइंगल मानते हैं हम इसको। हाइट ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताइए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अंडर रूट 3/2a देखेंगे, और जो सेंटर का डिस्टेंस होता है ऊपर से वो 2/3 ऑफ हाइट होता है। डी की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ओ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ओ की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करके रिजल्ट आ गया। अब ए बी का रिजल्टेंट ऊपर एक्ट कर रहा है, सी ओ का रिजल्टेंट नीचे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। बेटा इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लिया, क्यू की वैल्यू आ गई -q/√3। इतनी वैल्यू होने पर ये चार्जेस स्टेशनरी हो जाएंगे।